मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के पिपरिया मंडी चौपाटी पर स्थित नरेंद्र कुमार अग्रवाल ब्रदर्स पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में मिलावट की सूचना पर खाद्य आपूर्ति की टीम मौके पर पहुंची और सैंपल लिया गया। प्राप्त जानकारी सौमित सिंह पिता दरबार सिंह जाट निवासी मंदसौर से मनासा की ओर जा रहे तभी मऊ निमच हाईवे मार्ग पिपरिया मंडी चौपाटी पर स्थित नरेंद्र कुमार अग्रवाल पर अपनी बाइक पर पेट्रोल भरवाया और मनासा की ओर से चल दी। तभी अचानक पिपरिया मंडी नगर पार करते ही गाड़ी रुक कर चलना शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद गाड़ी बंद हो गई। इस दौरान युवक ने बाइक से एक खाली बोतल में पेट्रोल निकाला तो पेट्रोल के अंदर केमिकल मिक्स की शंका जताई और थोड़ी देर बाद देखा तो बोतल में ऊपर पेट्रोल और नीचे अन्य केमिकल जैसा पदार्थ दोनों अलग अलग हो गए। युवक ने पेट्रोल में केमिकल मिक्स होने की सूचना मलागर तहसीलदार वंदना हरित को सूचना दी, जिस पर मलागर तहसीलदार वंदना हरित ने स्वयं संबंधित अधिकारी को जानकारी दी और खाद्य आपूर्ति अधिकारी की टीम मौके पर पहुंची और युवक से चर्चा कर पेट्रोल का सैंपल लिया गया, इसकी जांच के लिए लीव में भेजा जाएगा। मैंने 900 रुपए का पेट्रोल डलवाया था सर। मैं सुबह 8:30 के अप्रोक्स निकला मंदसौर से, मैं मनासा जा रहा था तो ये जो पेट्रोल पंप है यहाँ पे पिपलिया मंडी में एचपी का, ये पिपलिया चौपाटी पे, यहाँ से मैंने पेट्रोल भरवाया 900 रुपए का। जैसे ही मैं पेट्रोल भरवा के सर निकला मनासा के लिए तो मैं गुड़बेली गाँव तक पहुँचा, जो यहाँ से 2-3 किलोमीटर है, तो वहाँ पर मेरी गाड़ी जो है चालू नहीं हो, बंद स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, बार बार बंद हो रही थी। मैंने पास में मैकेनिक की दुकान थी वहाँ पे गाड़ी को ले गया और उन्होंने चेक करा तो वो बोलते हैं फ्यूल चेक कर लेते हैं। जब मैंने फ्यूल चेक करा तो सर उसमें पेट्रोल की जगह पे ये केमिकल सहित थोड़ा बहुत पेट्रोल आया, और ये जब मैं यहाँ पेट्रोल पंप पे इस पेट्रोल को लेके आया केमिकल सहित, तो ओनर का कहना है, जो पेट्रोल पंप का ओनर है, कि ये हमारे यहाँ का पेट्रोल नहीं है और आप चाहे जो भी कर सकते हो वो करो, लेकिन ये हमारे यहाँ का पेट्रोल नहीं है। वो मानने को तैयार नहीं है। मैंने अपने कार्ड से पेट्रोल डलवाया है, स्टेटमेंट भी निकलवा सकते हैं यहाँ पे के कार्ड से डला हुआ पेट्रोल है। क्या मानते हैं लोगों से धोखाधड़ी हो रही है दिन-दहाड़े? हाँ जी, धोखाधड़ी है जी, वो मानने को तैयार ही नहीं है। और ऐसे अगर आम आदमी के साथ करते हैं तो मान लो कोई 100-150 रुपए का पेट्रोल डलवाता है और उसमें भी ये केमिकल रहेगा, अगर वो कहीं इंटीरियर में जाता है तो इंटीरियर में उसको कहीं पे भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये सरासर गलत है। मैं ये मांग करूंगा कि इस पेट्रोल पंप को चेक करा जाए, इसका सैंपल लिया जाए और हमारे जैसे लोगों के साथ धोखा नहीं हो इसके कारण। पहली बात तो मिलावटी काम का तो कोई जमाने ही नहीं रहे हैं, अब हर चीज़ ऑटोमेशन के अंदर है। मेरे यहाँ फुल ऑटोमेटेड पंप है, जो भी मेरे यहाँ माल आता है जब खाली होता है वो भी रिकॉर्ड जाता है ऊपर, जो बेचते हैं वो एक एक लीटर एक एक डिस्पेंसिंग का रिकॉर्ड ऊपर जाता है। मेरे यहाँ पे पेट्रोल की गाड़ी 14 अगस्त को आई थी, आज से 2 दिन पूर्व, उसके बाद अभी तक गाड़ी नहीं आई है। और पिछले 2 दिन और आज का दिन मिला के मैं एक अंदाजन 3 से 4 हज़ार लीटर पेट्रोल बेच चुका हूँ, और केवल एकमात्र यही एक आदमी ग्राहक आज सुबह जो आया है और इसने आज शिकायत करी है कि मेरे यहाँ के माल ख़राब है। अगर माल ख़राब होता तो जो 4 हज़ार लीटर माल पिछले 2 दिन और आज का दिन मिला के मैंने बेचा है उसमें कोई और ग्राहक तो आता, केवल एक ही मात्र ग्राहक को ये शिकायत क्यों आई है? ये और कोई बात नहीं है, ये किसी का खेल है जो हमारे खिलाफ खेला जा रहा है, और कोई बात नहीं है। मेरे यहाँ जाँच आज भी हुई है, आधी रात को कभी भी और आप जाँच करवा सकते हैं, मेरे यहाँ सभी चीज़ें सही पाई जाएगी। इसकी दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर एसडीएम कार्यालय से हमने प्राप्त हुई, उसके आधार पर हम यहाँ जांच करने आए। मोटरसाइकिल में मिलावटी पेट्रोल पंप से बेचे जाने की शिकायत, इसके स्टॉक सत्य वेरिफिकेशन किया गया और सैंपल लिया गया और सैंपल सील करके लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे। ये लैब के ऊपर है, 15 दिन भी लगा दें 20 दिन भी लगा दें, और जैसे रिपोर्ट आएगी, अगर रिपोर्ट डिफर जाती है तो इसका प्रकरण चलेगा। सैंपल वैसे तो सैंपल क्या है, यदि डेंसिटी चेक करते रहते हैं और यदि डेंसिटी डिफर जाती है तो ही सैंपल ले जाते हैं, लेकिन चूंकि ये शिकायत है इसलिए इस पर सैंपल लिया गया। पंप वाले भी करते हैं और हम भी करते हैं और कंपनी के अधिकारी भी करते हैं। मंदसौर से रवि पौरवाल की रिपोर्ट।